तो दोस्तों ये आ चुकी है दरगाह, हमें ये लेक मिली है और ये अन्ना सागर करके कोई लेक है, ये देख सकते हैं ये और ये सामने। तो ये कहूँगा अगर अजमेर आ रहे हैं तो इधर जरूर आना, ये सामने वही लोकेशन है जो अभी हमने आपको दिखाई थी। अभी अजमेर आ रहा है, अब मैं दिखाता हूँ हमारी लाइट का फायदा, देख रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा राइड में आके ये फायदा हमें हाईवे पे। भाई चाय पी के दिखाइए और कैसे पीते चाय। हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत है और आज हम आपको लेके जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह। तो देखते हैं वहाँ पे अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं है, क्योंकि कैमरा तो वैसे अलाउ नहीं है, बट देखेंगे अगर वीडियो को शूट कर पाए तो आपको अंदर का दिखाएंगे। रूम था इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 5 बेड वाला है और ये हमें पड़ा 1500 रुपये का आसपास पड़ गया था, और ठीक है अपना ठीक ठाक रूम मिल गया था। बाकी अगर आप इधर आ रहे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगा बाहर कि हमने कौन सा होटल लिया है, तो वो भी दिखा देंगे। तो हम यहाँ से आए थे और ये हमारा कुछ रेस्टोरेंट है सामने, आप देख सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट था और आप इधर आ रहे हैं तो इसके अपोजिट आपको मिलेगा, जो ये देख सकते हैं सोग्रास या साउस जो कार पार्किंग है उसके आपको अपोजिट मिल जाएगी। और यहाँ हम स्टे कर रहे हैं जो आप पीछे देख सकते हैं, तो ये है इस होटल में हम रुके हुए हैं, तो इसका नाम भी सोग्रास करके है। बाकी ये मार्केट है यहाँ की। तो दोस्तों ये आ चुकी है दरगाह, पहुंच चुके हैं दरगाह के अंदर। सो हम वहाँ से आ चुके हैं जो दरगाह थी, और बाकी ये जो दरगाह है ये राजस्थान के अजमेर में पड़ती है और वहाँ से हम आ चुके हैं। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो भी वहाँ मतलब सच्चे दिल से मन से जाता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो ऐसा बोला जाता है। बाकी जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है और बाकी सारे रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ से कहाँ निकल रहे हैं आप? जोधपुर। जोधपुर जा रहे हैं सर। तो जोधपुर जाने की तैयारी हो रही है, अभी बैग पैक हो रहे हैं फिलहाल, तो हमारे तो पैकिंग हो चुकी है, बाकी नीरज ही है जो सबसे लेट करता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अभी बाकी अपने जैकेट वैकेट निकाल रहे हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। ये निकल चुकी है दोनों की जैकेट, दोनों की नहीं मतलब नहीं दोनों की नहीं मतलब चारों की है। और बाकी सारा सेटअप हो चुका है तो अब निकलते हैं, बाकी आपको मिलते हैं बाहर जाके। और यहाँ मिक्सिंग चल रही है, दो ये पानी भी बहुत जरूरी है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। रेडी हो चुके हैं और जोधपुर के लिए निकल रहे हैं और टाइम 5 बजने वाले हैं शाम के, बाकी लगभग सब रेडी हो चुके हैं। और ये तो हमारा होटल है, उस होटल को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। बाकी नीरज भाई भी रेडी है, सारे रेडी हैं, अब निकलने की तैयारी है, बस निकल रहे हैं। और यहाँ से जो हमारी जर्नी है 210 किलोमीटर की है और अभी 210 किलोमीटर हमें कवर करना है, तो मे बी अभी 5 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। बाकी कोशिश करते हैं कितनी जल्दी पहुँचते हैं। हाँ भाई रेडी है, चलें फिर। 210 किलोमीटर की जर्नी है, कवर करनी है टाइम पे, तो निकल रहे हैं अब। और ये थी अजमेर जहाँ हम अभी दरगाह गए थे। और जो ये अजमेर है राजस्थान के अंदर पड़ता है, तो जो दरगाह काफ़ी फेमस दरगाह है और लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो भी मन्नतें मांगते हैं तो उनकी पूरी होती है। तो ये लास्ट दिन था हमारे यहाँ से, अब निकल रहे हैं यहाँ से हम।
सो फाइनली ये लेक पड़ी है, जैसे कि आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, काफ़ी प्यारी लेक लग रही है। तो अभी यहाँ साइड पर रोकते हैं और ये मैं आपको लेक दिखाता हूँ एक बार, तो अच्छी लग रही थी सोचा आपको दिखा दें। तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है, देख सकते हैं। तो इस लेक का नाम तो मेरे को भी पता नहीं है, अभी पूछता हूँ इन लोगों से। तो फाइनली हम अपने होटल से निकल चुके हैं और होटल से निकलते ही थोड़ा सा आगे आते ही हमें ये लेक मिली है, और ये अन्ना सागर करके कोई लेक है और देख सकते हैं इसके अंदर बतख भी है और थोड़ी कुछ मछलियाँ भी हैं। तो काफ़ी बेहतरीन लग रही थी, सोचा आपको रुक के ये दिखा दिया जाए, और हमें जो भी अच्छा लगता है हम सोचते हैं आपको भी दिखाएं अपने थ्रू। और काफ़ी बेहतरीन लग रही है, देख सकते हैं साइड में ये पहाड़ियाँ दिख रही है आपको, इसके साइड में रिवर है और काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। और मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, तो देख सकते हैं ये है यहाँ का व्यू और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं ये नज़ारा है यहाँ का। तो मैं आपको ये कहूँगा अगर अजमेर आ रहे हैं तो इधर ज़रूर आना, काफ़ी प्यारी लग रही है और इवनिंग के टाइम पर और अच्छी है, अभी थोड़ा सा धूप चली जाएगी तो और अच्छी लगेगी ये लोकेशन। ये देख सकते हैं ये हो रही है सामने बोटिंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, और ये देख सकते हैं लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये है अजमेर सिटी। सो अब निकलने का टाइम हो चुका है और लास्ट टाइम इस लेक को देख सकते हैं आप, और यही था अजमेर सिटी, जो अजमेर जो था राजस्थान में। अब निकल रहे हैं यहाँ से, 210 किलोमीटर की जर्नी है और अपनी तीनों बाइक रेडी हो चुकी है। भाई हेलो, चलो हो भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और स्पीड ना 100 के अंदर ही रखना, मैं 50-60 पे चलने वाला इंसान हूँ। तो भाई निकल रहे हैं यहाँ से और लेट हो जाएंगे, नहीं तो पहुँचना भी है जोधपुर टाइम पे हमें। ये लेक इतनी प्यारी लग रही थी, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा इस लेक को देख के, लेकिन क्या करें, आगे की डेस्टिनेशन भी बची हुई है तो वो भी कवर करनी है, हमारे पास टाइम भी कम है तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं दो पहाड़ियों के बीच से हम जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ आती है काफ़ी अच्छी लगती है, और हमारे थ्रू आप भी देखते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे थ्रू इतनी जगह घूम रहे हैं और आप लोग बाकी इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें। बाकी अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं, अगर कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको बीच में दिखाएंगे। आपको ये देखिए, ये है व्यू, भाई लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सामने वही लोकेशन है जो अभी हमने आपको दिखाई थी, और सनसेट पूरा हो चुका है, बस एक मिनट का टाइम था हमारे पास और एक टाइम में हमने शूट कर लिया और सनसेट हो चुका है। तो यही सामने लोकेशन थी, यहीं से सनसेट हुआ है, तो किस्मत में होता है ये चीज़ भी। तो फर्स्ट टाइम में हमने सनसेट होते हुए अपने सामने देखा, ठीक एक मिनट में ही वो पूरा हो गया, और ये देख सकते हैं यहाँ पर व्यू है। तो अभी भी डेस्टिनेशन हमारी 150 किलोमीटर के आसपास है और टाइम हो चुका है 7 बजने वाले हैं, तो सबसे आगे और देखते हैं आगे जाकर अंधेरा तो हो ही जाएगा, तो अगर कुछ दिखाने लायक होगा ऐसी तो आपको दिखाएंगे। और बाकी अपने ये एक राइडर, सेकंड राइडर और थर्ड राइडर हम हैं, तो तीनों राइडर जा रहे हैं, तो आगे की जर्नी बची है अभी, उसे कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं दोस्तों, अंधेरा हो चुका है और जैसे कि आप देख रहे होंगे तो लगभग अंधेरा हो चुका है, और अंधेरे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ब्लॉग शूट करने की, क्योंकि हमारे पास है एक्स्ट्रा लाइट। तो अभी थोड़ा सा उजाला है, अभी जब पूरा अंधेरा हो गया तब आपको दिखाएंगे इस लाइट का नज़ारा।
कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं अभी अंधेरा हो रहा है, अब मैं दिखाता हूँ हमारी लाइट का फायदा। देख रहे हैं मतलब एक्स्ट्रा राइट में आके ये फायदा है हमें हाईवे पे, तो इसलिए हम नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, नहीं तो हम नाइट में ड्राइव नहीं करते। और नाइट राइड इसलिए ही हो रही है क्योंकि लाइट थी हमारे पास एक्स्ट्रा, इसलिए हम थोड़ा सा शाम के टाइम पे निकलेंगे, मौसम ठंडा रहेगा। और नाइट लाया तो ये फायदा है कि हमें अगर हम क्रॉस शूट कर रहे हैं तो आराम से शूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट की कोई कमी नहीं है। तो देख सकते हैं आपको पूरा दिखाई देगा, तो आई होप आपको मतलब कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि लाइट कैसी लगी। और ये लाइट हम इसी पर्पज़ पर यूज़ करते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं और हाईवे पर हमें ज़रूरत होती है अच्छा देर में, क्योंकि यहाँ पर लाइट है नहीं, काफ़ी अंधेरा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं और आगे चल के आपको देखते हैं थोड़ी देर में। तो भाई हमारी नमकीन आ चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पे रुके हुए हैं अभी हम चाय वाय पीने के लिए। अरे मैंने मामी खाई थी यार, उठ जा। मैं इंदिरा गांधी भाई चाय पी के दिखाइए और कैसे पीते चाय, तो देसी स्टाइल मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कड़क है एकदम बढ़िया, और ये नमकीन कहाँ गए फिर? जो ज्यादा हो रही थी सब पेट में। भाई 100-100 ग्राम नमकीन ली थी और वो खाई किसने सारी? इसने। अभी बोलता मैं कुछ खाता नहीं हूँ। ये पता तरीका क्या है? कैसे चाय को नहीं टेस्ट ही नहीं। एकदम ठीक कड़क है एकदम। बाकी वाला क्यों कड़क करूँ? नहीं कड़क है एकदम बढ़िया। सो फाइनली हम जोधपुर पहुंच चुके थे और सुबह के अभी मतलब मॉर्निंग हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। तो कल व्लॉग एंड करना भूल गए थे क्योंकि रात में काफ़ी थक गए थे और पहुंच गए थे लगभग मेरे ख्याल से 10 बजे करीब पहुंच गए थे ना, 10 बजे। और वहां से हम 5:30 बजे निकल गए थे, तो ठीक था 250 किलोमीटर की राइड थी हमारी। और जोधपुर हम पहुँच चुके हैं, आज हम जोधपुर घूमेंगे। तो इस व्लॉग को एंड करना भूल गए थे, सोचा आप सुबह उठ के ही व्लॉग एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग 2 भी कंटिन्यू रहेगा आगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।